इस कार्यक्रम के प्रायोजक सिंह जी राजपुरोहित गांव सेप्टावास पाली हीनल स्वीट्स नंदी बाबा मंदिर के सामने डोकाली नाका कोलशे रोड ठाणे वेस्ट मुंबई महाराष्ट्र। नमस्कार। अगर मैं नमस्कार की बात करूं तो जिस शख्सियत का जब एफएम पर आकाशवाणी विविध भारती के एफएम पर जब सुबह का जब कार्यक्रम होता है तो वो बोलता है नमस्कार, न जाने लाखों लाखों लोगों के नींद, मतलब ऐसा लगता है कि कोई नमस्कार फिर करे तो ठीक है। वो नमस्कार तब तक आवाज गूंजती है कि तब तक यही शख्सियत वापस आकर के नमस्कार करके अपना कार्यक्रम शुरू नहीं कर देती है, क्योंकि उस नमस्कार में, गुड मॉर्निंग में, गुड इवनिंग में वो एक पावर होता है, ताकत होती है। और सबसे बड़ी बात यह कि यही शख्सियत अगर समाज पटल पर आती है तो कहती है जय श्री रघुनाथ जी की। चलिए हम इस शख्सियत की बात करते हैं। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं राजेश जी राजपुरोहित गिरासनी, जो आरजे हैं, जो मुंबई में विविध भारती एफएम, वो परिचय भी देंगे, एफएम के जो आरजे हैं और बहुत ही अच्छे सुंदर और बढ़िया उद्घोषक भी है। और आज जबकि विषय ये था कि प्रतिभाएं छुपी पड़ी है, उनको बाहर कैसे निकाला जाए, तो क्यों ना हमने सोचा कि उस प्रतिभा के रास्ते से हम प्रतिभाओं को ढूंढने के लिए जाए, क्योंकि प्रतिभा के माध्यम से प्रतिभा मिलती है। तो ऐसी एक मल्टी टैलेंट प्रतिभा, जिसको मैंने बताया आपको, राजेश जी राजपुरोहित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका राजेश जी। पहले तो ये बताइए, जिस अभिवादन के साथ, जिस आरजे, जिस तरह से आप एफएम में बोलते हैं, जिस अभिवादन के साथ बोलते हैं समाज के श्रोताओं को, समाज के लोगों को, वो पहले अभिवादन कीजिएगा। अपनी प्रतिभा का परिचय देने की जरूरत नहीं है, लेकिन प्रतिभा का परिचय दीजिए, फिर आगे बात शुरू करते हैं। नमस्कार, मैं हूं राजेश देवी सिंह राजपुरोहित और आप इस वक्त देख रहे हैं शुभ समय। और शुभ समय में बहुत गहरे विषय पर चिंतन हो रहा है, तो इस चिंतन में सहभागी बनिए और देश और विकास की राह को आगे बढ़ाने के लिए अपना योगदान दीजिए। क्रांति साहब इस दिशा में बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं, तो मेरी आपसे गुजारिश कि क्रांति साहब की दिशा को आप गति दो और उनके सहयोगी बन करके देश का नाम ऊपर ले जाने में सहयोगी बने। नमस्कार। सबसे पहले तो क्रांति साहब आपको बहुत 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 नमस्कार। आपने बहुत समा बांध दिया है, शायद मैं इतना योग्य हूँ नहीं हूँ ये तो खैर आप जाने, मैं तो नहीं बता सकता, लेकिन बहुत बड़ी छवि आपने उकेर दी है। मैं सबसे पहले यही कहूँगा कि आपको नमस्कार और बाकी सभी दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। वैसे मेरी आदत श्रोताओं को बोलने की है, क्योंकि जब मैं बोलता हूँ गुड मॉर्निंग इंडिया तो पूरा भारत तो सुनता है, और डिजिटल जमाना हो गया है तो आजकल पूरा वर्ल्ड सुनता है। एप्लीकेशन आ गई है अलग अलग, उस एप्लीकेशन के ऊपर ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, अफ्रीका, सब जगह से हमारे श्रोता है, तो वो सभी सुनते हैं। उनके रेस्पॉन्स चूंकि इजी वे हो गए हैं वापस लेने और देने के सिस्टम के, तो वहां से भी वापस हमें मेल के थ्रू, एसएमएस के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आजकल वापस रेस्पॉन्स आ जाता है, तो पता चलता है कि कौन किस वक्त कहां सुन रहा है। जी जी जी, तो ये एक अभिवादन जय श्री रघुनाथ जी से कीजिए, कैसा लगेगा? जय श्री रघुनाथ जी, आप सभी को दाता की मेहर बनी रहे, ये मेरी प्रार्थना आप सबके लिए। तो ये इन्होंने राजेश जी ने जय श्री रघुनाथ जी के उद्घोष के साथ आरजे राजेश जी ने अपनी शुरुआत कर दी है। राजेश जी, प्रतिभाएं भरी पड़ी हैं, उनको तराशने की जरूरत है, उनको ढूंढने की जरूरत है, और एक ऐसी प्रतिभा के समक्ष हम बात कर रहे हैं जो अपने बलबूते पर, अपनी ताकत पर, अपने शब्द यात्रा के साथ में यहाँ इस मुकाम तक आ खड़ी हुई। तो हम ये चाहते हैं कि किस तरह की प्रतिभाएं कैसे निखारी जाए और कहां कैसे जो है इसका जो है उपयोग किया जाए, और किस तरह से इस कार्य को, इस व्यायाम को, इस यात्रा को, इस यायावरी को आगे बढ़ाया जाए, बताया साहब। मेरा ये मानना है कि प्रतिभा जो है वो ऊपर वाले की देन है, तो हम सबसे पहले तो ऊपर वाले के देने की क्षमता पर कभी सवाल नहीं उठाएं। इसका मतलब ये हुआ कि हम सब में बहुत सारी प्रतिभाएं हैं। मेरे कहने का मतलब ये कि ऊपर वाले ने भरपूर मात्रा में प्रतिभाएं विसर्जित की है अलग अलग लोगों में, तो प्रतिभा है और बहुत है। अब ऊपर वाले ने कहा मैंने तुम्हें दे दिया है, अब तुम लोगों का काम है कि उसको उपयोग में लेना। उपयोग, कोई भी प्रतिभा समाज के काम आती है और देश के काम आती है, तो ये समाज, देश की जिम्मेदारी है कि वो उन प्रतिभाओं को ढूंढे और ढूंढ करके, तराश करके, बिल्कुल योग्य बना करके फिर उसका उपयोग करे देश और समाज के विकास के लिए। इसके लिए ऊपर वाले ने कुछ लोगों को चुना भी है
वो ये काम करते हैं कि प्रतिभा का किस तरह से, पहले तो पहचान हो उनकी, पहचान होना काफी नहीं है, पहचान होने के बाद में उनको तराशने का काम भी बहुत बड़ा है, वो किस तरह से किया जाए। तो ये जो आप जैसे लोग हैं जो समाज में काम करते हैं, प्रतिभाओं को पहले तो चिन्हित करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं कि ये प्रतिभा है और इस क्षेत्र की प्रतिभा है, किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र की प्रतिभा नहीं होती है, कोई खेल में आगे है, कोई बोलने में आगे है, कोई चित्रकारी में आगे है, अलग अलग क्षेत्र है, हर क्षेत्र में अलग अलग प्रतिभाएं हैं। हम किसी एक, जैसे कोई क्रिकेट अच्छा खेलता है तो हम ये नहीं समझे कि वही प्रतिभावान है, तो टेनिस खेलता वो भी अच्छा प्रतिभावान है, हॉकी में भी बहुत मास्टरपीस लोग बैठे हुए हैं, कुछ लोग चित्रकारी बहुत अच्छा करते हैं, कुछ लोग सोशल वर्क अच्छा करते हैं, हर एक काम में प्रतिभा छुपी हुई है। अब हमारा देश बहुत बड़ा है, कभी कभी हम कहते हैं कि ये हमारी डिसएडवांटेज है, मैं इसको एडवांटेज के रूप में लेता हूं। जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा प्रतिभा का प्रसार होगा, फैलाव होगा, उतने ही ज्यादा प्रतिभावान व्यक्तियों को, युवकों को, युवतियों को हम चुन सकते हैं, उनको चुन करके हम फिर समाज के डेवलपमेंट में उनको लगा सकते हैं। सबसे पहला मेरा ही मानना ये, बाकी लोगों को भी मैं कहूंगा कि माने कि आपका बच्चा भी बहुत प्रतिभावान है, वो मैथ्स में 99% नहीं लाता, कोई दिक्कत नहीं है, उसको ये मत समझो कि प्रतिभावान नहीं है, उसकी प्रतिभा कहीं और क्षेत्र में छुपी हुई है। आप देखो ना कि जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं फिर भी वो प्रतिभावान होते हैं अपने अपने फील्ड में, हमें उनको उनका फील्ड देना है, स्टेज देना है, जहां पर जाकर के वो अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके। साहब क्या होता है कि जब तक हमारे अंदर जो चीज छुपी हुई है, छुपी हुई का आवरण जब तक नहीं हटाएंगे, उसके ऊपर जमी हुई धूल को हम साफ नहीं करेंगे, तब तक अंदर की चमक बाहर नहीं आएगी। चमक के बाहर आने के लिए किसी एक व्यक्ति को उसकी धूल को हटाना पड़ेगा। मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है सर? बिल्कुल सुन रहा हूं मैं ये चाहता था कि आपने कहा इसको लेकर के सुबह समय मीडिया में आ गया है कि जो समाज में दबी हुई प्रतिभा है, जो उनको खुद को बिल्कुल ही पता नहीं है कि मेरे में प्रतिभा है, इस और जब प्रतिभा है तो उनको जी प्लेटफॉर्म जो है नहीं मिलता है कि स्पार्क कहाँ करे, कैसे करे, किस तरह से करे। तो हमने सोचा कि एक बड़ा ये प्लेटफॉर्म दिया जाए उनको, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी प्रतिभा का निखार भी करे और स्वयं भी समझे और दूसरों के लिए भी जो है एक प्रेरणा का स्रोत बने। एक नंबर दो में उनकी प्रतिभा का दोहन नहीं हो, क्योंकि उनकी प्रतिभा का देश, समाज और स्वयं के लिए हितो चाहतो नहीं है, यानी देश के लिए काम आए वो प्रतिभा, समाज के लिए काम आए, अपने लिए काम आए, तब तो प्रतिभा का महत्व है। भाई राजेश जी आरजे हैं और बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, बोलते हैं, ठीक है, और बहुत गुड मॉर्निंग करते हैं, गुड मॉर्निंग इंडिया बोलते हैं, जब लाखों लाखों श्रोतागण उनको सुनते हैं तब वो आवाज फिर सुनने को बेताब होते हैं, तो ये प्रतिभा है। तो प्रतिभा का कहीं ना कहीं उपयोग हो रहा है। उसके बाद में अपने जो है राजेश जी अपने गानों की प्रस्तुति करते हैं, कौन सा गीत कैसे आ रहा है उसका एनालिसिस करते हैं, दो शब्दों में बात करते हैं, तो यही प्रतिभा है कि उसको कैसे परोसा जाता है। तो अब इस प्रतिभाओं को उकारने के लिए, प्रतिभाओं को स्पार्क करने के लिए, प्रतिभाओं पर धूल जो जमी हुई है उनको हटाने के लिए, या ये कह सकते हैं कि प्रतिभा तो है लेकिन क्या यार मैं क्या कर सकता हूं, क्या होता यही है ना, तो उसको उनको मोटिवेशन देने के लिए हमने ये सही है, प्लेटफॉर्म सही तैयार किया है। तो आप इस संबंध में बताएं किस तरह से। है। एक जैसे पौधा है, उस पौध बीज डाला जमीन के अंदर और कुछ प्रतिभाएं खुद जमीन फाड़ के बाहर आ जाती है, वो बताती है कि मैं हूं, अब मुझे खाद दोगे, पानी दोगे तो मैं पेड़ बन सकता हूं। उनको खाद और बीज और खाद और पानी मिलता है, धूप मिलती है तो वो पेड़ बन जाते हैं, नहीं मिलती है तो सूख के वहीं पे खत्म हो जाते हैं। एक प्रतिभा हो गई जो जमीन फाड़ के बाहर आती है, दूसरी प्रतिभा वो है जो जमीन फाड़ के बाहर नहीं आ पाती है। मैं बहुत टैलेंटेड हूँ किसी एक सब्जेक्ट में, लेकिन न तो मेरे घर वालों को इसकी पहचान हुई, न मुझे ठीक से पहचान हुई, और मैं वही किसी और काम में लग गया, मैं पंचर बनाने लग गया और उम्र भर पंचर बनाता रहा। यदि मैं पंचर नहीं बनाता और हॉकी खेलता तो शायद मैं बहुत बड़ा हॉकी का प्लेयर हो सकता था। तो दूसरी तरह की प्रतिभाएं हैं जो जमीन फाड़ के बाहर नहीं आ पाती है, उनको हमें प्लेटफॉर्म देने पड़ेंगे। दूसरी बात यह है कि पहचान लेने के बाद में उनका डेवलपमेंट, उनके स्किल डेवलपमेंट कैसे हो। टैलेंट हंट हो गया हमारा, सबसे पहला टैलेंट को हंट करना है, उसको पकड़ना, पहचानना है। पहचानने के बाद में उसका स्किल डेवलपमेंट कैसे होगा, उसको तराशना तो पड़ेगा। हीरा अनगढ़ हीरा होता, पत्थर के जैसा ही होता है। जौहरी ने पहचान लिया, अब वो उसके ऊपर काम करता है।
उसको लेके बैठता है, अलग अलग औजारों से, अलग अलग मशीन के पार्ट से, अलग अलग ब्रशेस से वो रगड़ता है, तब जाके वो पूरा हीरा बनता है। एक कोई एक एक पार्ट से वो हीरा नहीं बन जाता, उसको लिए कई सारे अलग अलग नंबर के ब्रश लगते हैं, तब जाके वो चमकदार हीरा बनता है। उसकी हमें व्यवस्था करनी पड़ेगी। तो थोड़ा थोड़ा फिर क्या, जिसको हमने पहचाना ना, वो भी प्रयास करता है कि हाँ अब मैं इस चीज में टैलेंटेड हूँ, मुझे क्रांति साहब बता रहे हैं कि यार ये मैं ठीक है मेरे अंदर, तो अब मुझे भी थोड़ा प्रयास करना चाहिए। तो प्रयास दो तरफा हो जाते हैं, एक जिसने जिसने पहचाना, दूसरा जो खुद प्रयासरत है वो भी कहता है कि मैं यार ठीक हो जाऊं तो मेरा भी भविष्य बनेगा और मेरा भी नाम होगा, मेरे माता पिता का नाम भी होगा। तो दो प्रयासों का स्पीड डबल हो जाती है। डबल स्पीड के बाद में फिर वो मान लो उस चीज में आ गया। जैसे मैं अपनी बात करूं कि मुझे शुरू शुरू में बोलने का शौक था, ये पहचान मेरे घर वालों को आसपास हुई कि यार ये थोड़ा ठीक ठाक बोल लेता है, अलग अलग डिबेट में वाद विवाद कर लेता है, बातचीत कर लेता है। तो मुझे एक सामाजिक संस्था थी, उसमें मुझे जाने का मौका मिला, वहां मेरी प्रतिभा को देखते मुझे वहां का अध्यक्ष बना दिया गया। अध्यक्ष बना दिया गया तो फिर मैं इस चीज में रहने लगा कि जहां बोलने के कार्यक्रम कहाँ होता है मैं वहां पहुंच जाऊं। मैंने एक दो प्रोग्राम होस्ट किए जो बड़े लेवल के थे, तो फिर मेरे शहर में पहचान होने लगी कि ये बोला करता है। फिर इसी फील्ड को मैंने अपने प्रयासों से आगे कवर करके फिर मैं रेडियो में आ गया, और फिर इस तरह से चलता है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि प्रयास जब दो तरफा हो जाते हैं तो स्पीड डबल हो जाती है। तो पहले तो हम उनको पहचान लें, पहचानने के बाद में थोड़ा उनकी पॉलिशिंग करें, उनको समझाएं कि भैया ये इस तरह से नहीं, इस तरह से होता है। मान लो पत्रकारिता के क्षेत्र में कोई बंदा आना चाहता है तो उसको बताएं कि भैया ये डूज है, ये डोंट डूज है, पत्रकारिता में ऐसे तो किया जाता है, ये चीजें नहीं की जाती। तो ये जब चीजें उसको बताएंगे तो धीरे 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 वो एक शेप लेना शुरू हो जाता है, और वेल शेप आने से के बाद में फिर वो अपना भी आप जैसे बहुत गुणी और महान व्यक्तियों में शुमार होने लगता है, और आप तो जानते ही हैं फिर अपना नाम करने लगता है। नहीं, आप जो कह रहे हो, मैं सर्वसाधारण हूँ, 1982 से जब मेरी आया भी शुरू होती है पत्रकारिता की सामाजिक स्तर से, तो ना तो कोई क्लासेस गया मैं, ना कहीं मैंने पत्रकारिता का कोर्स किया, सीधा बीकॉम करने के बाद इस फील्ड में आ गया। लेकिन धीरे धीरे सीखते 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 सीखते, हाँ ये बात है कि मैंने रास्ता नहीं छोड़ा, अपग्रेड किया। सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है, सीखना जरूरी है। और अपग्रेड अपग्रेड करते 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 आज इस फील्ड पे आ गया कि आज मैं डिजिटल चैनल को जो है हैंडल कर लेता हूँ, और डिजिटल के माध्यम से वो काम जो प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से करता था वही काम मैं डिजिटल के माध्यम से और बहुआयामी अधिकतर लोगों को, वहां एक दो को करता था। मैंने एक चीज कही थी कि कुछ प्रतिभाएं अपना सर खुद उठाती है और जमीन फाड़ के बाहर आती, आप उन्हीं में से। नहीं नहीं बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन प्रतिभाएं हर एक में छुपी हुई हैं, बस उनको स्वयं को स्पार्क करने की जरूरत है। अगर अगर हम बात करें कि हनुमान जी की बात करें, तो हनुमान जी को कहा गया था कि आप ये समुद्र लांघ सकते हो और लंका में जा सकते हो, तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो उनको जो है जोश दिलाया, हौसला दिलाया कि नहीं आप एक ऐसा कर सकते हो, आप में वो शक्ति है, और उस शक्ति का एहसास करवाया, तब जाकर के वो जो है समुद्र लांघ करके लंका में गए। तो स्वाभाविक है कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी जीव हो इस धरती पर, सब में प्रतिभा है, निखार होना चाहिए। तो बहनों भाइयों, मैं ये निवेदन करूंगा कि आप खुद जो सुन रहे हैं उनसे कहना, आप में भी प्रतिभा है, आपके घर में भी प्रतिभा है, आपके पड़ोस में भी प्रतिभाएं हैं, और आपके गांव और शहर में भी प्रतिभाएं, आपका फर्ज है, आपको पता है। बकायदा ये जो स्क्रीन पे नंबर आए, स्क्रीन पर नंबर पे सीधा उनका नाम पता भेजिए, किस क्षेत्र में है वो, किस फील्ड में उनकी मास्टरी है, उनका लिख करके भेजिएगा। जरूर हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस प्रतिभा को ये प्लेटफॉर्म मिले, और इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से उसका जो है निखार मिले, और उसको लगे कि निश्चित रूप से मैं प्रतिभाशाली हूँ और आगे वो बढ़ सकते हैं। हमारा काम इतना ही है कि पीठ थपथपाना। मित्रों, मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रतिभाओं की तो सब पीठ थपथपाते हैं, लेकिन प्रतिभाओं को जमीन से उठाकर प्रतिभा के उस स्टेज पर लाना, प्रतिभा के उस रैंप पर लाने का हमारा काम है, जैसा राजेश जी ने कहा। क्या कुछ कहना चाहेंगे राजेश जी? राजेश जी कुछ कहना चाहेंगे आप? जी जरूर कहना चाहूंगा कि एक जी जी मैं कहना चाहूंगा कि जो अभिभावक हैं उनके लिए मेरा एक संदेश रहेगा कि कई बार क्या होता है कि हम कंपैरिजन लेते हैं, माता पिता क्या करते हैं, कंपेरेटिवली देखते हैं कि मेरा बच्चा इस फील्ड में ठीक नहीं है, पढ़ाई में ठीक नहीं है। सारे फील्ड सब में सब लोग एक्सपर्ट नहीं होते हैं, इसलिए आप सिर्फ उनको उन प्रतिभाओं के हिसाब से ना देखें, ये पढ़ नहीं सकता, ज्यादा पढ़ता नहीं है, परसेंटेज नहीं आते। उसके अलावा भी जिस फील्ड में वो ठीक कर रहा है आप उनका सपोर्ट करें, और मोरली कभी भी उनको डिग्रेड नहीं करें कि यार तू तो बेकार है, तेरे से कुछ नहीं हो रहा, तेरे से कुछ नहीं हो रहा। आप तलाशो पहले,
तलाशने के बाद में तराशो उनको, वो जरूर आपका नाम रोशन करेंगे। और आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? आप ही का बच्चा है, आपका, आपके समाज का, देश का। तो फिर हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ढूंढें पहले तो उनमें कि वो क्या कर सकता है, फिर क्या करने के बाद में। सबसे बड़ी बात मैंने कही कि जो प्रतिभाएं सर उठा के जमीन फाड़ के बाहर आती है, उनको यदि आपने पानी और खाद नहीं दिया तो भी वो मुरझा जाती है। तो हमारा ये दायित्व बनता है, जिम्मेदारी बनती है कि हम उनका संरक्षण करें, क्योंकि वो आखिरकार हमारे और हमारे देश के ही काम आने वाले होते हैं। तो इसलिए हमारा दायित्व है कि आप ऐसा करें। और आप क्रांति साहब, विशेष तौर से मैं कहना चाहता हूँ कि चूंकि मैं आपको कई काफी सालों से जानता हूँ, आप इस क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो ये जो लोग ऐसा नहीं कर पाते उनकी तरफ से ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि समाज की छुपी हुई प्रतिभाओं को, अलग अलग क्षेत्र की प्रतिभाओं को बाहर लेके आना और उनको एक मकाम दिलाना। ये मेरे ख्याल से आप इसमें कर भी रहे हैं और भी आगे करेंगे, ये मेरी आपसे। राजेश जी, आपने हमें कर्तव्य बोध पुनः एक बार दिला दिया याद, कर्तव्य बोध जिसको कहते हैं। कर्तव्य की लड़ाई कोई नहीं लड़ता है, अधिकारों की लड़ाई हर कोई लड़ता है। कर्तव्य ता उम्र कर्तव्य करना, वही जीवन है। और हम इसी कर्तव्य को, कर्तव्य में डट करके, कर्तव्य के साथ में डट करके हम इस स्टेज पर बार आए हैं कि जो प्रतिभाएं हैं आप आइए, ये स्टेज आपका है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपको प्रोत्साहित करें। अगर कहीं आपको हतोत्साहित है तो हम भी हमारा काम में प्रोत्साहित करेंगे। और माता पिताओं से भी निवेदन है, और मैं एक बात कहना चाहूंगा, उन्होंने, राजेश जी ने बच्चों की बात कही, हम तो ये कहना चाहेंगे बच्चे से लगा करके जवान बुजुर्ग, यानी बचपन से 55 या 90 उम्र के भी साल के, 100 साल के भी है, सब में प्रतिभा है। आइए ना, सबके लिए स्कूल आए, क्योंकि स्पार्क करने का, कभी कभी स्पार्क करने का समय नहीं मिलता है और ताउम्र महसूस के रह जाते हैं, यार ये मेरे में प्रतिभा है, राजेश जी इतना अच्छा बोल लेते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। तो बिल्कुल आप बोल सकते हैं, आइए वेलकम, और बोलिएगा राजेश जी के समकक्ष आप बोल सकते हैं, क्योंकि आप में वो भाव है, भाव है अर्थात आप में प्रतिभा है। बेहतर बोल सकते हैं जी, प्रतिभा है तो आप उस प्रतिभा को निखारिएगा। आपको बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी बनना ही जीवन है, यही आनंद है, क्योंकि आपकी प्रतिभा कहीं और कहीं काम आए ना आए, लेकिन आपके परिवार के लिए, मित्रों के लिए, समाज के लिए, आपके बोलने के बाद में आप जब अच्छा लगता है कि आप अच्छा बोलते हो, तो वहां प्रतिभा काम आती है। यानी प्रतिभाओं देश और समाज को काम आती है। एक लाइन में अगर मैं बात कह दूं, पहले राजेश जी ने भी ये बात कही कि प्रतिभाएं देश और समाज के काम आती है, परिवार के साथ तो आती आती है। तो जो बच्चे देख रहे हैं, जो माताएं बहने ये देख रही है, आप अपने बच्चों में ढूंढिए, एक विषय पे अगर कमजोर है तो उसको डिमोलाइज मत कीजिए, उसको कॉम्प्लेक्स फीलिंग मत करवाइए, उसको कहीं ना कहीं आपको लगता है कि बच्चा इसमें इसमें अच्छा है, इसमें स्पार्क कर रहा, तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, तो उसका मन में प्रोत्साहित होगा, तो जिसमें जो डल है वो भी साथ साथ में करता जाएगा, क्योंकि बच्चों का मोटिवेशन बहुत जरूरी होता है। ये बात को लेकर के चलना चाहिए। राजेश जी ने बहुत अच्छे तरीके से, मैं तो समझ रहा था कि प्रतिभा के माध्यम से प्रतिभाओं की तरफ, लेकिन उन्होंने तो एक सब्जेक्ट और आगे विषय बढ़ा दिया, मोटिवेशन की तरफ भी ले गए, क्योंकि प्रतिभाओं के साथ में मोटिवेशन का होना बहुत जरूरी है। जब तक मोटिवेटेड नहीं करेंगे तब तक प्रतिभा बाहर नहीं आएगी। तो बड़ी सरल बात है, लेकिन कठिन जरूर है, लेकिन मुश्किल नहीं। मैं एक संकल्प के साथ है, हम दोनों वादा करते हैं, और वादा हम एक दूसरे से नहीं करते, अपने आप से करते हैं, तो अपने आप से किया हुआ वादा सफल रहता है। हम अपने आप से वादा करते हैं कि ऐसी प्रतिभाएं जहां भी, हम पहले उनको तलाशेंगे, फिर तराशेंगे और समाज के समक्ष और राष्ट्र के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। ये हमारा अपने आप से वादा है, और इस राह में केवल आज ही नहीं, राजेश जी सदैव जुड़े रहेंगे और सदैव इस विषय पर आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, आरजे।